और आइए अब आपको बताते हैं कि हरियाणा में क्या हालात है कोरोना की वजह से। कोरोना के मामले यहां भी लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो राज्य में कोरोना वायरस के 13,588 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 125 लोगों की मौत हो गई। राज्य में सबसे ज्यादा मरीज गुरुग्राम में मिले। पिछले 24 घंटे में 4,099 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि इस दौरान 12 लोगों की जान चली गई। राज्य में फिलहाल 1,02,516 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। दिल्ली में ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो वायरस से पीड़ित मरीज के काम आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर नकली इंजेक्शन बेच रहे थे। खतरनाक बात यह है कि ये लोग अब तक 4,000 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच चुके हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड से दिल्ली तक सक्रिय ये गैंग नकली इंजेक्शन को असली रेमडेसिविर इंजेक्शन की तुलना में 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेच रहे थे। यानी एक तो नकली इंजेक्शन और दूसरा उसकी भी कालाबाजारी। देखिए कोरोना क्रिमिनल्स के गुनाह की ये रिपोर्ट। देश के कोरोना क्रिमिनल, रेमडेसिविर के नाम पर मौत का खेल। शहर शहर नकली रेमडेसिविर का कहर। कोरोना से तड़प रहे लोगों की जान बचाने के लिए एक एक रेमडेसिविर के लिए लोग दिन रात भटक रहे हैं, लेकिन मौत बांटती महामारी में भी मुनाफाखोरों ने काली कमाई का मौका ढूंढ लिया है। न्यूज 18 ने ऑपरेशन गिद्ध के तहत देश को दिखाया था कि किस तरह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वालों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत तमाम तरह की दवाइयों और मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी से लोगों को बेहाल कर रखा है। उसके बाद देश के कई शहरों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग और नकली इंजेक्शन बनाकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के कोटद्वार में छापा मारकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वहीं कोटद्वार में जब छापा मारा गया तो वहां रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा मौजूदा समय में इस्तेमाल होने वाली कुछ और नकली दवाएं बनाई जा रही थी, यानी नकली दवा फैक्ट्री चल रही थी। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना टेस्ट की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही नोएडा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के वडोदरा में भी पुलिस ने 5 लोगों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वालों को गिरफ्तार किया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जिस रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल किया जाता है वायरल लोड कम करने के लिए, उसकी किल्लत से पूरा देश जूझ रहा है और दिल्ली पुलिस ने उसी के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है। कोटद्वार में नकली फैक्ट्री का पर्दाफाश कर ये लोग इस फैक्ट्री में नकली दवा बनाते थे और उसको 25,000 रुपए तक खुले बाजार में बेचते थे। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े रैकेट को इस पूरे के पूरे मामले में पकड़ा है। गौर से देखिए इनके चेहरे, अगर ये इंसान हैं तो फिर वो कौन हैं जो अपनों को बचाने के लिए दिन रात सड़कों और अस्पतालों में भटक रहे हैं? अगर ये इंसान हैं तो वो कौन हैं जो अपनों की मदद के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं? दरअसल ये सिर्फ नाम के इंसान हैं, क्योंकि मौत बांटती महामारी के दौर में ये लोग जो कर रहे थे वो कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानियत मर गई तो फिर इंसान कैसा। ये उन लोगों के गुनहगार हैं जिन्हें नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा गया। ये उनके कसूरवार हैं जो अपनों को बचाने के लिए रेमडेसिविर की तलाश कर रहे थे, जिन्हें रेमडेसिविर के नाम पर फर्जी इंजेक्शन 25,000 रुपए में बेचे गए। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने, इंटरस्टेट टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि विभिन्न राज्यों से काम करते हुए और नकली लाइफ सेविंग ड्रग रेमडेसिविर बनाते थे, उनको अरेस्ट किया है। 7 लोगों को अरेस्ट किया है। जब असली रेमडेसिविर इंजेक्शन